दोस्तों, आज इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, यकीन मानिए आप लोगों ने इस टॉपिक को कई बार सुना होगा। यूज ऑफ आर्टिकल्स बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन कई बार आप उसको पहचानने में या यूज करने में गलती कर देते हैं। यकीन मानिए अगर अभी तक आप वो गलती करते रहे हैं या कोई भी आपको डाउट होता है, तो यकीन मानिए इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी आर्टिकल में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। सबसे पहले मैं आपको अब बताता हूँ, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल जैसे ए और एन, ये दो आपके इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। दूसरा जो टाइप का आर्टिकल होता है वो होता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसको आप द या दी भी कहते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको इन दोनों में, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं इनडेफिनिट आर्टिकल के विषय में कि इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल आप कैसे करें। इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि ये ए और एन दोनों में से कोई एक आपको यूज करना होता है, तो आप वहां पे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। हमेशा ये आप याद रखें कि किसी भी वर्ड को जिसके पहले आपको ए या एन में से कोई एक में अगर इस्तेमाल करना है, तो उस वर्ड को आप प्रोनाउंसिएशन करिए, उसको पढ़िए, उसको क्या लिखा हुआ है। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है वॉवल से, अगर स्टार्ट होता है वॉवल साउंड से, आप ध्यान रखें वॉवल साउंड। इंग्लिश में अपने यहां ग्रामर में इंडिया में अक्सर क्या बताया जाता है कि ए ई आई ओ यू, ये फाइव आपके वॉवल्स हैं, इन पांचों के अलावा बाकी जो आपके 21 जो लेटर्स हैं वो सभी आपके कॉन्सोनेंट हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है कि अगर वॉवल साउंड वॉवल वर्ड भी है, लेटर भी है, अगर वो कॉन्सोनेंट का साउंड बनाता है, क्रिएट करता है, तो वहां पे आप एन नहीं लगाएंगे। आपको मतलब रखना है किससे, वॉवल साउंड से। अगर वॉवल साउंड स्टार्टिंग में आता है तो वहां पे आप एन लगाएंगे। ये तो इंग्लिश फोनेटिक्स के लिए हो जाता है। मैं आपको आसान सी भाषा में अगर बताऊं, आप लोगों ने हिंदी अवश्य सीखा होगा, आप हिंदी भाषी हैं तभी जाके मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हैं। हिंदी में आपके वॉवल कॉन्सोनेंट हिंदी में भी होते हैं। हिंदी के वॉवल कॉन्सोनेंट इंग्लिश के फोनेटिक्स से काफी मिलते जुलते हैं, काफी हद तक मिलते जुलते हैं। तो आप हिंदी का जो लेटर्स होते हैं उनके अगर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अगर चाहें तो आप ए या एन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इस्तेमाल किया जाए। अगर हिंदी का वॉवल से स्टार्टिंग होता है वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, तो वहां पे आप लगाएं एन। हिंदी के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वहां पे लगाइए ए। हिंदी के वॉवल में आपका क्या आता है, अ से लेकर के और आपका अ तक आता है। हिंदी का कॉन्सोनेंट जो आपका आता है वो आपका क ख से लेकर के और आखिरी ज्ञ तक आता है। अगर इसमें से किसी एक से अगर प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है तो आप वहां पे लगाइए ए, इससे स्टार्ट होता है तो आप लगाइए वहां पे एन। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इसकी सहायता से इस्तेमाल करने पे, ए एन का यूज करने में आपको कोई एक्सेप्शन नहीं याद करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूं आपको, कुछ शब्दों को देखा जाए। वर्ड आपका है एप्पल,
इसको आप रीड करें, एप्पल ए, स्टार्टिंग में आपको क्या मिला, ए एप्पल, ये आपका है हिंदी का वॉवल, क्योंकि अ से लेके अ के बीच में ये आपका आता है, तो यहां पे आप लिखेंगे एन। वर्ड आपका है, सपोज वर्ड आपका है बनाना, बनाना, ओके बनाना, ब, ये आपका आया ब, यानी कि क से लेके ज्ञा तक के बीच में आता है, यानी कि ये आपका कॉन्सोनेंट, हिंदी के कॉन्सोनेंट से आता है, यहां पे आपने लगाया ए। आपका वर्ड है यूनिवर्सिटी, आप इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, यूनिवर्सिटी, यू, या किस में आता है फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट में, आप यहां पे लगाएंगे ए, ए यूनिवर्सिटी। वन आइड मैन, वन आइड मैन, ओके वन आइड मैन, इसका प्रोनाउंसिएशन करिए वन, यानी कि व किस में आता है, क से ज्ञ में आता है, यानी कि आप यहां पे लगाएंगे ए। कार, सी ए आर, कार, कार किस में आता है, क, ए, यानी कि आप लगाएंगे ए। बुक, बी डबल ओ के, बुक, ए बुक। कभी भी सिंगल वर्ड, सिंगल, अगर आपको सिंगल ए कहीं पे लिखा हुआ है किसी वर्ड के पहले, तो आप इसको ए ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कभी भी अ नहीं बोलिए आप, हमेशा ए कहेंगे, ओके ये हो गया ए कार, ए बुक, ओके। और आपका वर्ड है पेन, ये हो गया ए पेन, पेन प। सो फ्रेंड्स, इसकी सहायता से, यानी कि इंग्लिश का जो फोनेटिक्स होता है और जो आपका हिंदी के जो आपके लेटर्स होते हैं उसके भी, जो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश का फोनेटिक्स कुछ अलग हो जाता है, लेटर्स अलग हो जाते हैं, अल्फाबेट्स, लेकिन हमारे हिंदी लैंग्वेज में फोनेटिक्स और लेटर्स आपके सेम हैं, इसमें कोई खास बहुत अंतर नहीं होता है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल करते हुए आप चाहें तो कहीं पर भी ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल 100% वो सही होगा, आपकी बिल्कुल कन्फ्यूज़न खत्म हो जाने वाली है, कहीं पे आपका गलत आपका नहीं होगा, ओके। सो फ्रेंड्स, अब आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल आप कहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों, ये आपका है डिफिनिट आर्टिकल द, द का इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हैं, जो चीज़ दुनिया में इकलौता हो, कोई ऐसा नाउन जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में इकलौता हो, आप उसके पहले कभी भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे मार्स, मार्स लिखना है तो आप लिखेंगे द मार्स, मून लिखना है आपको तो आप लिखेंगे द मून, वैसे अर्थ है द अर्थ, जुपिटर द जुपिटर, किसी भी रिवर के नेम के पहले, नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, किसी भी रिवर के नेम के पहले, जैसे द गंगा, द कावेरी, किसी भी न्यूज़पेपर के नेम के पहले, किसी भी न्यूज़पेपर के नेम के पहले आप डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके द दैनिक जागरण, किसी भी फेमस बुक के नेम के पहले, या कोई भी ग्रंथ हो तो
तो वैसे उसके नेम के पहले भी आप द लिखते हैं, जैसे द कुरान, द गीता, किसी भी ऐसे रिलीजियस बुक के पहले आप द का इस्तेमाल करते हैं। शी के नेम के पहले, किसी भी सी के नेम के पहले भी आप, या ओशियन के नेम के पहले भी आप द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द अरब सागर। ओके, कोई भी ऐसा चीज जो आपके घर में जो चीजें दिखती हैं, जैसे आपका वॉल हो गया, गेट हो गया, द किचन हो गया, द बेडरूम हो गया, द डाइनिंग रूम हो गया, द गेस्ट रूम हो गया, घर में ऐसी चीज जो दिख रही हैं उसके पहले भी आप द का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसा चीज जो आपको क्लासरूम में आपके दिखता है, क्लासरूम में आपको क्या क्या दिखता है, जैसे द चॉक, द डस्टर, द फैन, द बेंच, द डेस्क, या द क्लास मॉनिटर, द क्लास टीचर, क्लासरूम में जो भी चीजें दिख रही हैं आपके आसपास क्लासरूम में आपके, उनके सभी के नेम के पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके अलावा कोई भी ऐसा नाउन जिसको आप डिफिनिट करना चाहते हैं, निश्चित करना चाहते हैं, जैसे इट इज द पेन दैट माई फादर गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे, इट इज द पेन, मतलब क्या है, आप निश्चित करना चाहते हैं, डिफिनिट करना चाहते हैं कि यही वो पेन है, यही वो पेन है जिसे मेरे पिताजी ने मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था या मुझे दिया था। वहां पर भी आपने डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। कुछ और भी आपके द के यूज होते हैं, जैसे किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स के पहले, जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ओके, देश में जो भी आपके मिनिस्टर्स लोग हैं, द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, इन सभी के लिए भी आप द का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी के पहले भी आप द का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का यूज आप किसी भी फेमस शिप के नेम के पहले या फिर किसी फ्लाइट के नेम के पहले भी कर सकते हैं, जैसे द इंडिगो, द इंडियन एयरलाइंस, किसी भी ट्रेन के नेम के पहले भी आप द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, किसी भी कॉर्डिनल नंबर के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, एटसेट्रा। ओके, इसके अलावा आप किसी एडजेक्टिव के पहले भी द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर एडजेक्टिव के पहले आप द का इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरे ग्रुप को शो करता है, जैसे पुअर, पुअर हम का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, लेकिन इसके पहले अगर हम आर्टिकल द लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग,
द रिच, मतलब धनी लोग। तो एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है। किसी भी डायरेक्शन के नेम के पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द साउथ, द नॉर्थ एटसेट्रा। आप डायरेक्शन के नेम के पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शॉर्ट में ये समझें, कोई ऐसा नाउन जो डिफिनिट हो या पर्टिकुलर हो, खास हो, दुनिया में इकलौता हो, ऐसे किसी भी तरह के नाउन के पहले आप डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्टिकल ए एन या द का इस्तेमाल किन किन नाउन्स के पहले नहीं किया जाता है। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनके पहले आप आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल द का इस्तेमाल आप कहां कहां पे नहीं करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी डिजीज के नेम के पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे फीवर, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर। किसी भी डिजीज के नेम के पहले आप कभी भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ए एन द कुछ भी नहीं लगेगा। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, चाइना, मैंडेरियन, ओके, हिंदी, उर्दू। सो बिफोर द लैंग्वेज, नेम ऑफ अ लैंग्वेज, यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल देयर। अगला आपका है प्रॉपर नाउन। कोई भी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु का विशेष नेम, उसे आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आप आर्टिकल कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेम ऑफ कंट्री, किसी देश के नेम के पहले भी आप कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश के नेम होते हैं जैसे यूएसए, यूएसए के पहले आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूएसए जो है ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, कई देशों का मिला करके एक संघ है देशों का, द यूएसए। ओके, देश में कुछ और भी ऐसे देश आपके हैं जिनका इस्तेमाल एक वर्ड के रूप में होता है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, तो उनके पहले आप द का इस्तेमाल कर देते हैं, वरना आप इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, मतलब सिंगल किसी देश के पहले आप कभी भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला जो पॉइंट आपका है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट वर्ड के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लिखा जाता है। लंच, लंच वर्ड के पहले भी आप कोई आर्टिकल नहीं लिखते हैं। डिनर, डिनर वर्ड के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होता है। इसके बाद किसी हॉस्पिटल का नेम, या किसी गॉड का नेम, या स्कूल का नेम वगैरह के पहले, या इन शब्दों के पहले भी, वर्ड्स के पहले भी आप कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। So, उम्मीद करता हूं अभी आर्टिकल से जुड़ी हुई सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। ओके, सो थैंक्स अगेन, थैंक यू वेरी मच।